हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मसल बिल्डिंग का डे 5 है, जिसमें हम करने वाले हैं शोल्डर का एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, शोल्डर एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को अच्छे तरह से स्ट्रेच कर ले, शोल्डर को पूरा एक्टिवेट कर ले, ताकि इंजरी पकड़ने का चांसेस ना रहे। तो पहले हम करेंगे वार्म अप। सो फ्रेंड्स, अब मेरा हो गया है वार्म अप, तो हम चलेंगे फर्स्ट सेट के लिए। तो चलते हैं, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हम वार्म अप करने के बाद आ गए हैं फर्स्ट सेट के लिए, जो कि होगा मेरा बारबल प्रेस। बारबल प्रेस कैसे करना है सो देखिए फ्रेंड्स, लाइक दिस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ज़्यादा बारबल को ज़्यादा नीचे लेके नहीं आना है, सिर्फ अपने माउथ के पास, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका करना है आपको 4 से 10 बार रैप्स, और वेट हर एक सेट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। सो चलते हैं अब हम नेक्स्ट सेट के लिए। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं सेकेंड एक्सरसाइज के लिए, जो कि मेरा होगा आर्नोल्ड प्रेस। इसका हमें करना है 4 से 10 बार रैप्स। करना कैसे है वो देखिए, लाइक दिस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। सो फ्रेंड्स, इसका करना है आपको 4 से 10 बार रैप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं थर्ड एक्सरसाइज के लिए, जो कि होगा मेरा फ्रंट रेजेस और रियल डेल्ट। फ्रेंड्स, ये दोनों अल्टरनेट करना है, तो एक एडवांस सेट है। इसका करना है आपको 3 सेट 10 से 12 रैप्स। करना कैसे है फ्रेंड्स देखिए, लाइक दिस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सर के पास लेकर आना है डंबल को, सिक्स, सेवन, एट। उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ये हुआ मेरा एक सेट। ऐसे ही कर करके आपको 3 सेट करना है फ्रेंड, 10 से 12 रैप्स फ्रंट रेजेस, 10 से 12 रैप्स रियल डेड। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकेंड का, देन फिर सेकेंड सेट के लिए जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं, ये था मेरा थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज, दोनों एडवांस। अब हम चलते हैं 5th एक्सरसाइज के लिए। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं 5th एक्सरसाइज के लिए, जो कि होगा मेरा साइड लेटरल रेजेस। करना कैसे है वो देखिए, डंबल को ऐसे रखना है, लाइक दिस, ऐसे स्लोली स्लोली धीरे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। सो फ्रेंड्स, आपको साइड लेटरल रेजेस मारने वक्त ध्यान से देखना है कि कैसे मार रहे हैं। आपको जर्क बिल्कुल नहीं करना है इस टाइप से, वन, ये बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर लोगों को, हम बहुत सारे लड़कों को यही गलती करते देखे हैं कि बॉडी को जर्क बहुत करते हैं। सो आप ये गलती ना करें। अब हम चलते हैं
लास्ट वर्कआउट के लिए 6। चलिए सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपना लास्ट वर्कआउट के लिए, जो कि होगा मेरा डंबल सर्क्स। डंबल सर्क्स करना कैसे है वो देखें, क्योंकि बहुत सारे लड़का लोग को बहुत सारी गलतियां करते हम देखते हैं जिम में। सो फ्रेंड्स, आपको नहीं करना है वो गलती, ध्यान से देखें कैसे करना है। सिंपली डंबल को ऐसे उठाना है, ठीक है, गर्दन थोड़ा सा डाउन करना है, शोल्डर थोड़ा सा डाउन, और सिर्फ शोल्डर को उठाना है और धीरे धीरे छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे लड़कों गलतियां क्या करते हैं, आगे से उठा के पीछे 1, 2, या पीछे से उठा के आगे। आपको ये नहीं करना है, इससे आपको इंजरी बढ़ जाएगा और आप बेड रेस्ट पे चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लास्ट वीडियो, जो कि था शोल्डर का एक्सरसाइज। अब हम तीन सेट करेंगे अपने एप्स का। सो चलिए एप्स का एक्सरसाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपना एप्स के वर्कआउट के लिए। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे केबल क्रंचेस, और इसका करना है 4 सेट और 20 से 25 रैप्स करना है। वेट अपने अकॉर्डिंग लगा ले, और करना कैसे है वो देखिए, लाइक दिस। रोप को आप अपने सर के पास लाके लॉक कर लेना है ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स, इसका कर सॉरी 20 से 25 रैप्स करना है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट के। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपना सेकेंड वर्कआउट के लिए, जो कि होगा मेरा लेग रेजेस। इसको करना कैसे है फ्रेंड्स वो देखें, ध्यान दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो फ्रेंड्स, इसका करना है आपको 20 से 25 रेप और 4 सेट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सो लेट्स गो। अब हम आ गए हैं अपना लास्ट एक्सरसाइज के लिए, जो कि होगा मेरा प्लैंक। प्लैंक फ्रेंड्स, 3 सेट करना है, और 1 मिनट से ज़्यादा, जितना देर तक आप चले, 1 मिनट से नीचे नहीं करना है। 1 मिनट से नीचे करने का मतलब है आप फॉल हो गए, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। कम से कम 1 मिनट प्लस जाने की कोशिश करना है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं प्लैंक कैसे किया जाता है। आपको हिप को ज़्यादा नहीं ऊपर करना है, ना ज़्यादा डाउन करना है। सो ऐसे सर को आगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लास्ट एक्सरसाइज। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अक्सर लोग गेनिंग के दौरान एप्स का वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये नहीं करें, हफ्ते में कोशिश करें दो दिन कम से कम एप्स का एक्सरसाइज ज़रूर करें। और सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की फिटनेस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय। ये रहा भाई का बाइसेप्स।